नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बेसिन न्यूज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सावनेर तहसील के पाटन सावंगी गांव में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला जीर्ण होने से उक्त पुतले को ग्रामवासी स्वयं चंदा इकट्ठा कर जीर्णोद्धार करने के लिए ग्राम पंचायत पाटन सावंगी से अनुमति की मांग कर रहे हैं। वही अन्य गुट इस पुतले के जीर्णोद्धार के विरोध में दिखाई पड़ने से ग्राम सभा में तनावपूर्ण वातावरण निर्माण हुआ है। क्षेत्र के विधायक तथा राज्य के पूर्व मंत्री सुनील केदार के पैतृक ग्राम पाटन सावंगी में करीब 33 वर्ष पहले 1990 में स्थानिक लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले की स्थापना की थी। करीब 33 वर्ष पुराना यह पुतला अब जीर्ण होता दिखाई पड़ रहा है, जिसका ग्रामवासी लोक वर्गनी कर उसका जीर्णोद्धार करने का मानस बनाए ग्राम पंचायत पाटन सावंगी के अनुमति की बात जोड़ रहे हैं। अनुमति के लिए काफी दिनों से ग्राम पंचायत के चक्कर काटने पर भी अभी तक अनुमति ना मिलती थी। 8 सितंबर 2023 को संपन्न ग्राम सभा में ग्राम के सैकड़ों ग्राम वासियों की उपस्थिति में पंचायत के सभागृह में सरपंच रोशनी ठाकरे, ग्राम विकास अधिकारी बबन श्रृंगारी, ग्राम पंचायत सदस्यों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। ग्राम सभा के सभी विषयों पर चर्चा होने के बाद दिलीप केदार तथा अन्य उपस्थित ग्राम वासियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के जीर्णोद्धार हेतु अनुमति की मांग करते ही वातावरण तनावपूर्ण होकर दो गुट आमने सामने आकर तूतू मैमा तक पहुंच गए, जिससे वातावरण तनावपूर्ण होते देख कुछ नागरिकों तथा विरोधी गुट द्वारा उक्त मसले को क्षेत्र के विधायक सुनील केदार से चर्चा कर इस मसले का हल निकालने की बात कहकर वातावरण को शांत किया गया। 17 ग्राम पंचायत सदस्यों की पाटन सावंगी ग्राम पंचायत की इस महत्वपूर्ण ग्राम सभा में 17 में से सिर्फ 5 ग्राम पंचायत सदस्य हाजिर थे, तो वही 12 ग्राम पंचायत सदस्यों की इस महत्वपूर्ण सभा में अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही। वही अपने आराध्य छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के जीर्णोद्धार का विषय इस सभा में रखने की जानकारी के कारण सैकड़ों शिव प्रेमी युवक युवतियां विशेष रूप से ग्राम सभा में उपस्थित थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के जीर्णोद्धार की मांग करने वाले युवक निरंतर पुतले की देखभाल, साफ सफाई, पूजा अर्चना कर रहे हैं। पुतला क्षतिग्रस्त होता देख तथा प्रशासन द्वारा उक्त निर्णय न लेता देख खुद ही ग्रामवासी चंदा करके जीर्णोद्धार करने की ठानी है, लेकिन उनके हाथ प्रशासन से मदद न मिलने से अब तक निराशा हाथ लगी है। विधायक तथा पूर्व मंत्री सुनील केदार छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के जीर्णोद्धार संबंधी क्या निर्णय लेते हैं, इस ओर शिव प्रेमी तथा नगर वासियों की नजरें लगी हुई है। क्या वे ग्राम पंचायत पाटन सावंगी से शिव प्रेमियों को अनुमति दिलाकर तथा दोनों गुटों से बातचीत कर सुलह कर ग्राम पाटन सावंगी में चल रहे विवाद को मिटाने में सफल होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बेसन न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट। गोंदिया जिले के उपक्षेत्रीय परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत गोंदिया जिले के एसटी बस चालकों और निजी बस चालकों के साथ साथ काले पीले और ऑटो चालकों की नेत्र और स्वास्थ्य की जाँच की गयी। गोंदिया जिले के उपक्षेत्रीय परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत गोंदिया जिले के एसटी बस चालकों और निजी बस चालकों के साथ साथ काले पीले और ऑटो चालकों की नेत्र और स्वास्थ्य की जांच की गई। कई बार ड्राइवर की गलती से बड़े हादसे हो जाते हैं, तो कई बार ड्राइवर की सेहत के कारण भी हादसे हो जाते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कभी कभी ड्राइवर की खराब दृष्टि के कारण दुर्घटनाएं होती है, गोंदिया जिले के उपक्षेत्रीय परिवहन विभाग ने ड्राइवर का स्वास्थ्य और नेत्र परीक्षण किया। कई बार ड्राइवर बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बनता है और ड्राइवर के साथ वाहन में बैठे कई लोगों को दुर्घटना में चोट लगने के साथ साथ अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। इसे ध्यान में रखते हुए गोंदिया जिले के उपक्षेत्रीय परिवहन विभाग ने गोंदिया जिले में एसटी निगम चालकों, स्कूल बस चालकों, ऑटो रिक्शा चालकों, काले और पीले वाहन चालकों और अन्य वाहन चालकों की स्वास्थ्य की जांच की। गोंदिया क्षेत्रीय उप परिवहन विभाग इसमें कई वाहन चालकों ने अपने स्वास्थ्य एवं आंखों की जांच कराकर इस सड़क सुरक्षा अभियान में अपनी भागीदारी दर्ज कराई। जिले में उप क्षेत्रीय परिवहन विभाग द्वारा पहली बार इस प्रकार की स्वास्थ्य की जांच की गई है। माननीय परिवहन आयुक्त कार्यालयाच्या आदेशा प्रमाण अपन विशेषता जे ड्राइवर्स आहेत म्हणजे बसचे असतील, स्कूल बसचे असतील, ट्रॅव्हल्सचे असतील, मोठ्या गाड्या चालवणारे ड्रायव्हर आहेत यांना आपण त्यांची रक्त तपासणी असेल, ECG असेल, ब्लड शुगर, तसे त्यांचे नेत्र तपासणी आणि त्याच्यासोबतच आपण ज्यांना कोणाला अडचण असेल वाचण्यासाठी किंवा बघण्यासाठी त्यांना आपण मोफत चष्मे वाटपसुद्धा आपण इथं करत आहोत। याचा उद्देश हेच आहे की अपघात मुळेन रस्त्यावर चालवण्यासाठी चालकच जास्त असतात आणि त्यांचं सगळं आरोग्य व्यवस्थित आहे का नाही याची तपासणी करण्यासाठी आपल्याला वरून जसे आदेश त्याप्रमाणे आपण त्यांची तपासणी इथं मोफत करत आहोत।
हे आरोग्य तपासणी आता पहिल्यांदाच आमच्या कार्यालयात, म्हणजे आपण रस्ता सुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत आपण करत असतो दरवर्षी, ही विशेष मोहीम आहे, माननीय परिणय कार्यालयाने आदेश दिल्यानंतर ही विशेष मोहीम आहे. पण याच्यासोबतच जे काळी पिवळी असतील, ऑटो रिक्षा असतील आणि किंवा महामंडळाच्या बसेसचे चालक यांना सुद्धा आपण सूचना दिलेल्या आहेत, ते सुद्धा लोक आपल्याला आज आणि उद्या आपल्या 2 दिवसात तपासणी करून घेणार आहेत. आज आम्ही परिवहन आयुक्त कार्यालयाच्या निर्देशाप्रमाणे या कार्यालयात आरोग्य शिबिर आयोजित केलेलं आहे. त्या अंतर्गत नेत्र शिबिर, बीपी शुगर हे प्रायव्हेट ड्रायव्हर्स, जे खाजगी ड्रायव्हर्स आहे, एस टी महामंडळाच्या ड्रायव्हर्स आहे, त्यांची आम्ही तपासणी करून घेत आहे. मग बहुतांश ॲक्सिडंट हे ड्रायव्हरच्या चुकीमुळे किंवा काही असं त्यांना मेडिकल प्रॉब्लेम्स असतात त्याच्यामुळे होतात. व महाराष्ट्र शासनाचे निर्देश आहे की ड्रायव्हरचे 4 महिन्यात, 6 महिन्यात किंवा वर्षभरात त्यांचं आरोग्य तपासणी करणं हे अतिशय आवश्यक आहे. ही अतिशय गंभीर बाब असल्यामुळे आम्ही त्यांची योग्य प्रकारे तपासणी करून त्यांना जर चष्मे लागत असेल त्याच्यात चष्मे पण वाटप करत आहोत आणि बाकीचे जे औषध वगैरे आहे ते प्रिस्क्राईब करून त्यांचं आरोग्य उत्तम व्हावं व रोड ॲक्सिडेंट कमी व्हावे यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो. बीसीएन न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट. हिंदी समाचार में फिलहाल इतना ही. ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज. नमस्कार.